नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। पुरानी छावनी निवासी युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि लल्लू रजक निवासी पुरानी छावनी, जो कि मंडी में हमाली का कार्य करता था, उसने रात में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राधोगढ़ तहसील के कुंडा गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक पक्ष से मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़ित पक्ष ने की। पीड़ित पक्ष के अनुसार गांव में लगे ट्रांसफार्मर पर तार लगाने के चलते इन दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी पक्ष ने पीड़ित पक्ष को धारदार हथियारों से मारा, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष गुनाह पहुंचा। डीपी जा रहे थे, नेटवर्क फेंक दी तो जो लगाने का हो मैं दुख रहे थे भाई, जाग पीछे पड़े मकान तक आओ जो गला लग जाए, पीछे से मैं पहुँचो हमारे हाथ में कच्चे तो नहीं है, मैंने परसाई सुन मारो। मैंने कितने लोग थे? वो लोग थे 7-8 जने। तुमने क्या शिकायत थी डीपी से? नहीं चलान ने। पैसे आपने भी दिए? तो हाँ, वो 55,000 रुपये दिए थे आपने। हाँ, और उनने भी दिए? उनने दिए 55,000। तो चला क्यों, चलाने क्यों नहीं दे रहे? नहीं चलान दे। क्या कारण, कारण क्या है? कि हमारे नाम है, हमारे खेत में रखी है, नहीं चलान दे। अच्छा, बराबर साहब बेकार है बिल। आप भी देते हो? हाँ, वो भी देते हैं, दोनों मिलके देते हैं। दोनों मिलके देते हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? जिनने उनका धीराज सिंह, अहिराज सिंह, सुन्नाम मलखान, बिक्रम मोकम, जमान सिंह, राजू कलिया। तो आप लोग किन किन को मारा? आप लोगों जी नाम बोल रहे हैं भाई साहब। आप लोग किन किन कौन कौन थे? आप हम दो ही अकेले दो जने, और ये महिला जो जो बाद में आए थे उसके लट दिया है। वो लोग बेई बंजारी और इन भैया का मेहरबान और इनकी राधा भाई, राधा भाई, इन तीनों को मारा। एक अभिनंदन भाभी, क्या नाम उनका? माखन। उनको भी मारा? उनको भी मारा। कब की घटना है ये? कल 10-11 बजे सुबह की। हाँ, अब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों की खैर नहीं। यातायात प्रभारी सूबेदार मोनिका जैन ने आज ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की एवं उनके चालान भी काटे। बता दें कि कई समय हो गया है हनुमान चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग अभी भी यातायात के नियमों का पालन न करते हुए इन्हें तोड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं आज सिग्नल तोड़ने वालों पर यातायात सूबेदार मोनिका जैन द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। क्रमांक 12 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान मेरा सुझाव मेरा चुनाव के अंतर्गत लोगों से मध्य प्रदेश को लेकर अपने सुझाव मांगे गए, जिसके चलते कई लोगों ने अपने सुझाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखी गई सुझाव पेटी में डाले। देखने लायक होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सुझाव एकत्रित कर रही है उन्हें पढ़ने का समय क्या भारतीय जनता पार्टी के पास होगा या सिर्फ एक ये पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह जाएगा। आया श्रीराम भैया, जो भी सुझाव आया कल। टी आई टी
कॉम्प्लेक्स की एक दुकान की छत का टुकड़ा गिर जाने से दुकान संचालक का काफी नुकसान हो गया। बता दें कि टीआईटी कॉम्प्लेक्स में बनी यह शासकीय दुकानें हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, केवल संचालक का कंप्यूटर ही इसकी चपेट में आया। घटना और भी बड़ी हो सकती थी यदि वहां पर उस समय कोई व्यक्ति बैठा होता। हम लोग बैठे हुए थे, चार लोग बैठे हुए थे, एकदम ऊपर से गिरी, एकदम आए उसमें एल सी डी गिरी और सीटू गिर रहा है, एल सी डी टूट गई तो सीटू खराब है उसका। हम लोग देखा अच्छा हुआ को बैठे हुए थे, कोई बैठा नहीं आता, तो आज किसी घटना भी हो सकती, कोई खत्म भी हो सकता था, क्योंकि आज इतना जोर से हुआ। तो ये मतलब कहाँ है आपकी दुकान? मतलब ये अभी TIT कॉम्प्लेक्स में नब्बे कंप्यूटर। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओपी त्रिपाठी ने शुरू किया अपना चुनावी अभियान। जहां एक और बड़े बड़े दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी के बमोरी प्रतिनिधि के रूप में ओपी त्रिपाठी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वे आज बमोरी के कई गाँव में घूमे। अच्छा, आप जो वोट मांगेंगे वो आप किस मुद्दों पे मांगेंगे पब्लिक से? बामोरी विधानसभा की कोई भी सड़क, चाहे पाटई से सिरसी मार्ग हो या अमरोध होते हुए बामोरी का मार्ग हो, फिर उधर आटाखेड़ी कुसम मार्ग, पूरी तरह से ताशनाश है। कोई भी रोड ठीक नहीं है, हर जगह गड्ढे हैं और दोनों भाजपा कांग्रेस दोनों लोगों की वजह से ऐसे है। कोई विकास नहीं है, म्याना में कोई डिग्री कॉलेज नहीं, बामोरी में कोई डिग्री कॉलेज नहीं, फतेहगढ़ में नहीं है, जबकि यहीं से रावगढ़ में जो 35 किलोमीटर दूर है और आरौन में वहाँ सब कुछ है, डिग्री कॉलेज है, तहसील है, SDM बैठ रहा है। बामोरी विधानसभा के साथ में अन्याय क्यों किया जा रहा है? इसके सीधे जिम्मेदार और भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं, नेता लोग हैं, पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान विधायक हैं, ये सब सारे लोग हैं और मैं इनको इसी चुनाव में जवाब दूंगा और बताऊंगा चुनाव क्या होता है। बिल्कुल, हमें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी परमिशन दी है और हमारी गाड़ियां झंडे और बैनर के साथ चल रही हैं। तो सुनने में ऐसा भी आता है कि आप 10-12 गाड़ियां भी चलाते हैं? नहीं, अगर हमारे विरोधी हम पर आरोप लगा रहे हैं कि 10-12 गाड़ियां हमारी चल रही हैं तो वो हमारी शिकायत करें, जिला निर्वाचन अधिकारी से जाँच करवाएं। हम तो अगर बिना झंडे बैनर के गाड़ियाँ प्रचार में हैं तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, और अब आगे चल के आपकी क्या प्रक्रिया है? हमारी प्रक्रिया है कि हम गांव-गांव जन-जन लोगों से वोट मांगेंगे और हम विजयी होंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बुरी तरह से इच्छे से हराना है। इन्होंने विकास के नाम पे केवल ढोंग रख किया है और जनता के साथ धोखा किया है। अरे, वो मैदान में नहीं आएंगे श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान नहीं, चेहरा दिखाने लायक नहीं है। जब विकास नहीं किया, क्या वोट मांगने जाएंगे? उनको जनता भगाएगी, घर में बैठा के पानी तक नहीं पिलाएगी उनको। जब विकास नहीं किया तो किस बात को वोट मांगेंगे? इसलिए हम मांग रहे हैं क्योंकि हमें विकास करना है क्षेत्र का। हम पहले से काफी दौड़ धूप रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता घर बैठे हैं। अभी जी, अभी जो है भाजपा और कांग्रेस में एक प्रत्याशी चयन को लेकर काफी द्वंद चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? द्वंद इसलिए चल रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। अंधेर चौपट, अंधेरी नगरी चौपट राजा, उनके पास कोई नेता ही नहीं है कि जल्दी ला के मैदान में उतारे। जैसे BSP ने डॉक्टर ओपी त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है, वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता जल्दी उतारे मैदान में, आ जाए घमासान, लेट क्यों कर रहे? झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट।
में गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और लूटमारी भी की। बता दें कि चाचौड़ा तहसील के सगौड़िया नामक गांव में बीते दिनों गांव के कुछ व्यक्तियों ने गांव में ही रह रहे प्रताप सिंह गुर्जर पर पुरानी रंजिश को लेकर हमला कर दिया, साथ ही उसके पूरे परिवार के साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके घर से भगा कर मकान को तहस नहस कर दिया और उसे धमकी भी दी कि यदि वह गांव में दोबारा आया तो उसे जान से मार देंगे। जब प्रताप गुर्जर ने इसकी शिकायत चाचौड़ा थाने में आकर बताई तो उसे थाने से धक्के मारकर भगा दिया गया। इसके बाद प्रताप गुर्जर गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को घटना के बारे में बताया। प्रताप गुर्जर ने बताया कि यह बात 9 अक्टूबर की है, जब वह घर पर था तभी अचानक धनराज नेकराम रामचरण नामक व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके घर से 7 तोला सोना, 8 किलो चांदी और 40,000 रुपए तथा 20 क्विंटल गेहूं उठाकर जबरदस्ती ले गए। जब रोकने की कोशिश की गई तो उसके साथ मारपीट की। जब इसकी शिकायत चांदोड़ा थाने में लिखवाने गए तो मुझे वहां से धक्के मारकर भगा दिए गए। इसके बाद उसने गुना जिलाधीश महोदय और गुना पुलिस अधीक्षक महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिनको लिखित में शिकायत या आवेदन भी दिया गया है। साथ ही 181 हेल्पलाइन नंबर पर भी इसकी शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन इसके बाद भी उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। अरे दोस्ती वो या मावस अगली मावस या बीत ली नहीं दूसरी मावस की दोज के दन की 5 बजे मैं 12 काट के ऐसी मेरी मार पीट करी जब मैं पत्थर पड़ गया, कुछ भी पता नहीं। क्या क्या हो गया था? मेरा बच्चा है एक मोड़ी ले बगी सी जिसके बिल्कुल क्या हुआ फिर क्या क्या नहीं हुआ? मैं मार पीट करी भगा दिया घर से। घर से भगा दिया? किन किन ने भगाया आपको? सब सबने भगा दिया, पुरान ने, धनराज ने, बालक रकम 8 किलो चांदी, 7 तोला सोना, 40,000 रुपया, 20 क्विंटल तो गहूँ और 3-2 क्विंटल धनोया और पूरे घर को अराबो जो भी टीवियां पंखा सब साजे मोटर साइकिल और टीवी सब चीज सी बासन ठीक राजे कुछ भी नहीं रखा, लोल्डी तक भी मकान काट पीट के सफा करा दिया, ईटा मीटा डलडा के ईटा बूटा ले गया, चद्दर उठा ले गया और दूसरा मकान की भी दीवाला मीवाला की सब अलवारे मलवारे फोड़ दी। 9 तारीख क्या हुआ था? पूरा मकान तोड़ गया, पूरे दिन 5 बजे पूरा सामान तोड़ फोड़ कर लूट कर ले गया। क्या क्या लूट ले गया? चांदी 8 किलो, 7 तोला सुनो, 40,000 रुपया, 20 किलो 20 क्विंटल गेहूँ, 2 किलो धनिया बीज का। कौन कौन ले गया लूट के? ये ले गया धनराज और बाला भगत पटेल और वहाँ से चलो तो रामचरण नैनक राम और पारी भाई और ने वाह कहीं नाव बड़े हो कुछ हो कहीं नाव वेरी नाव तो पता थे। कौन से गांव से हैं? सागोड़िया दलाल झुंकरा पंचायत। आपने चोरी हुई आपकी लूटपाट हुई इसकी रिपोर्ट वगैरह पुलिस में? पुलिस में आए जो धक्का देर भगाते नहीं सुने। इसके अलावा वो कहीं शिकायत दर्ज की आपने? फिर शिकायत मैंने वो करी अपनी में गुना कलेक्टर में एसपी कौन है वहाँ पे क्या बोला फिर आपसे? फोन करी कोई नहीं बोल दिया तुम जाओ दरखास्त ले लिया हमारे हाथ में निबंधन दे दो। कचरे में फेंकी जा रही हैं दवाइयां, आरोन के वार्ड क्रमांक 4 की घटना। सरकार भले ही प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमा और उसमें बैठे अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला आरोन में देखने को मिला, जहां शासकीय योजनाओं को दरकिनार करते हुए दवाइयों को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। शासन द्वारा जो दवाइयां आम जनता को देने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, उन दवाइयों को आंगनवाड़ियों के द्वारा जनता तक नहीं पहुंचाकर कचरे के ढेरों तक पहुंचा दिया जाता है। यह कोई पहला मौका नहीं जबकि आंगनवाड़ियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की दवाइयों को फेंकने की घटनाएं सामने आ चुकी है। सरकार द्वारा विगत वर्ष शुरू की गई निःशुल्क दवा वितरण योजना शुरू की गई थी, जिसमें मरीजों को शासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को अनेक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाई गई थी। साथ ही इनमें कुछ जीवन रक्षक दवाएं भी वितरित की जा रही थी। परियोजना अधिकारी एवं महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों में लापरवाही की जा रही है। जो दवाइयां बच्चों एवं महिलाओं को बांटना चाहिए वह कचड़े के में दिखाई दे रही है। इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
और उनसे हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। जिला कबड्डी संघ द्वारा आयोजित अंडर 14 जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कॉलेज के इंडोर हॉल में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में SDM अरविंद वाजपेयी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 6000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 4000 रुपए रखा गया है। साथ में ट्रॉफी एवं शील्ड भी प्रदान की जाएंगी। यह प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवम्बर तक आयोजित की जाएगी। पहला मैच वंदना विरुद्ध मिलेनियम ग्रुप के मध्य खेला गया, जिसमें वंदना स्कूल की टीम विजयी रही। म्याना में PWD द्वारा अंदर से मार्केट से नई सराय रोड तक रोड डाली जा रही है, जिसमें 300 फीट की रोड छोड़ दी गई है और रोड की चौड़ाई भी 12 फुट है। इस रोड पर नई सराय का मार्ग चालू है। इस रोड को जमीन से ऊंचाई काफी ज्यादा है, इस पर वाहनों को आमने सामने पर आने जाने में मुसीबत खड़ी हो जाती है। जमीन से रोड की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वाहन नीचे नहीं उतार पाते। इस रोड का निर्माण किए हुए 15 दिन से अधिक हो चुके हैं, फिर भी ठेकेदार के द्वारा रोड के साइड में मुरम तक नहीं डाली गई, जिससे आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गुना जिले की राधोगढ़ तहसील में पालिका बाजार में स्थित नवकुंज प्राथमिक विद्यालय में एक नर्सरी के बच्चे को बुरी तरह से शिक्षक के द्वारा मारने का मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षक संजीव शर्मा के द्वारा बालक आयुष सोनी पुत्र श्री मांगीलाल सोनी को कक्षा में ना बैठने की शिकायत को लेकर उसे बुरी तरह से मारा गया, जिसमें बच्चे के गाल पर और पीठ पर गहरे निशान बन गए, साथ ही आंख के पास भी निशान बने हैं। बच्चे के पिता ने स्थानीय विजयपुर थाना में स्कूल के शिक्षक के खिलाफ शिकायती आवेदन भी दिया है। समझ से परे है कि जब कोर्ट के निर्देशानुसार बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक है, तो क्यों शिक्षा के मंदिर में बच्चों पर हाथ उठाया जाता है? क्यों शिक्षक एक शैतान का रूप ले लेते हैं, जो मासूम बच्चों को मारने से भी नहीं कतराते? अब देखने लायक होगा कि पुलिस प्रशासन उक्त स्कूल और शिक्षक के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। ठीक है भाई, करना बंद कर दे। हां हां, कहां बैठा इधर करो। खून नहीं भाई साहब, पूरे गाल पे खून जम रहा है उसके, तो आंख में, गाल में, पूरा मतलब एक साइड का ना पूरा वो हो रहा है इसका, पूरा है ना, कर ले। किसने मारा बेटा तेरे को? टीचर ने मारा? बोलो, सर ने मारा? कौन से सर ने मारा? कौन से सर ने मारा? हाँ, कौन से सर ने मारा? कौन से ने? तुम जानते हो उन सर को? जानते हो? अपनी आंखों से देख के उनको बताओगे कौन है वो सर? बताओगे ना? ठीक है। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।